मैरी क्रिसमस। ठंड पड़ रही है ना बहुत। फाइनली अभी हम आ चुके हैं कुल्लू, और ऐसा कलेक्शन ना मेरी मम्मी को चाहिए अपने घर के अंदर भाई इन फ्यूचर। ये फर्स्ट हमारा टोल आ रहा है मनाली जाते हुए। दिल्ली टू मनाली कितना फेयर पड़ेगा, यानी कितना किराया पड़ेगा? सस्रेकाल, मैं हूं आपका मर्जी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो दोस्तों आज का सफर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम सफर करने वाले हैं बस के अंदर, और आज हम जा रहे हैं भाई साहब बहुत खतरनाक जगह जिसको भाई साहब जाना हर कोई चाहता है, यानी आज हम जा रहे हैं मनाली, वो भी घूमने फिरने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ। तो आज हम जो सफर करेंगे वो बस के अंदर करेंगे, और आज हमारी बस होने वाली है रियो इंडिया ट्रेवल्स की तरफ से। तो ये आप मेरे बैक साइड बस देख सकते हो। तो आज हम इस बस में सफर करेंगे, और ये बस का इंटीरियर क्या होने वाला है, कैसी सीट्स होने वाली है, और क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस बस के अंदर मिलेंगी। तो जैसा कि ठंड का मौसम है और आपको ब्लैंकेट भी चाहिए होता है हर जगह, तो इस बस में आपको ब्लैंकेट भी मिलेगा, ये प्लस पॉइंट होगा। तो सब कुछ आपको बिल्कुल फैसिलिटीज के साथ सबको डिटेल मिलेगी इस वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। तो दोस्तों ये होने वाली हमारी बस। तो अभी जैसे ये कंपनी है, इसका नाम है रियो बस, जैसे आप देख सकते हो ये रियो इंडिया ट्रेवल्स की कंपनी है। तो ये आपको बस मिलेगी, तो अगर हम आपको बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस बताएं तो आप देख सकते हो रियो इंडिया ट्रेवल्स, तो दिल्ली वोल्वो बस सर्विस है, दिल्ली मनाली दिल्ली चंडीगढ़ बिलासपुर ये सब जगह जाती है। आप इनके भाई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके इनको बुक कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ नंबर्स होंगे, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलो चलते हैं और आपको सारा इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। तो कुछ बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, तो ये बाहर से कुछ इस तरीके की होगी, फुल कम्फर्टेबल है। वाओ, कलर भी बहुत अच्छा है, रियो बस डॉट इन लिखा हुआ है फुल। यार आगे वाली सीट पर वैसे हमारी बुकिंग है इस बार, तो हम आगे आगे सीट पर बैठेंगे। तो इधर से देख सकते हो भाई, सेफ ऑन टाइम कंफर्टेबल, ये प्रेमो की भाई गारंटी देख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी देखो जी पीछे से कुछ इस तरीके की बस दिखेगी, बाकी हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे। तो आगे जैसे हमारा फर्स्ट स्टॉप पर होगा, तो वहाँ पर और भी डिटेल मिलेगी आपको। तो चलो चलते हैं अभी बस के अंदर और आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बस के अंदर, तो आप देख सकते हो बस के अंदर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर होगा ड्राइवर कोच। तो देख सकते हो ये कुछ, तो यहाँ पर ड्राइवर साहब बैठेंगे। तो अभी हमारी वैसे जो इस बार सीट एक ये है और दो इधर है, तो दो दोस्त यहाँ बैठेंगे, मैं वहाँ बैठूँगा विंडो के साथ। तो अगर बात करी जाए अब हमारे सीटिंग की, तो सीट कैसी होने वाली आप देख सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स होंगी। वो ये देखो, तो यहाँ से हम आपको बैठ के एक बार दिखाते हैं। ये देखो आपको ब्लैंकेट भी, मैंने जैसे बताया कि ब्लैंकेट भी मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके के ब्लैंकेट्स होंगे। तो ये कुछ हीट भी है भाई बड़े मज़ेदार, तो ये कुछ इस तरीके की सीट्स होंगी। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ भाई रियो इंडिया ट्रेवल्स, तो ये कुछ इनके कंपनी का नाम है। और बाकी आप इस तरफ अपना सामान वगैरह भी रख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो फुल स्पेस है, आपका लैपटॉप वाला बैग या पिट्ठू बैग जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ प्रॉपर तरीके से आ सकता है, और बाहर का व्यू भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो अभी हम जिस जगह हैं वो है मजनू का टीला, यहाँ से तीन स्टॉपेज है, वो तीनों के तीन हम आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों अभी हमारा जैसे बस का जो टाइम है, वो यहाँ से हमने लास्ट वाली बस पकड़ी जो कि हमारी 10:30 बजे डायरेक्ट चलती है करनाल बाईपास से, तो जो हमारे दिल्ली बाईपास है तो वहाँ से। लेकिन यहाँ से आप अगर नहीं कम्फर्ट ये वाली लोकेशन से, तो आपको दो लोकेशन से हो रही है बस को पिक कर सकते हो। तो जैसे एक आपका मजनू टीला है एंड कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन का, तो आप वहाँ से भी ये बस को पिक कर सकते हो, अगर आपका जो भी नियर बाय पड़ता है आप वहाँ से ये बस ले सकते हो। गाइस बात करी जाए इस बस के फेयर की, कि आपको दिल्ली टू मनाली कितना फेयर पड़ेगा, यानी कितना किराया पड़ेगा, तो रेट ऊपर नीचे होने वाले हैं, बिकॉज अभी सीजन आने वाला है, पीक टाइम आने वाला है, तो रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं हर हफ्ते। तो अभी हम बेसिकली संडे के दिन ट्रेवल कर रहे हैं, तो संडे के दिन वैसे सेम प्राइस हमारे को पड़ा, लेकिन वीकेंड्स वाले ही था ये प्राइस। तो अगर आप आते हो तो आपको अगर पैसा भी बचाना है, तो हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप आते हो इसी बस के अंदर, तो अभी हमारे को जैसे फेयर पड़ा है कुछ, हमने तीन लोगों का करा है, तो हमारे को 3300 कुछ यानी 1100 के समथिंग हमारे को एक टिकट पड़ी है। तो अगर आप आते हो, अपने कूपन्स अगर आपके पास होते हैं, बस वाउचर होते हैं जो, अगर आप वो लगाते हो अप्लाई करते हो, तो आपका और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आओ और जा सकते हो भाई मनाली के यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली अभी मजनू का टिला से ये हमारी बस चल चुकी है, तो आप देख सकते हो भाई बाहर से आपका व्यू भी भाई प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हर जगह आपको रियो बस तो लिखा हुआ देखने को मिलेगा ही, देख सकते हो यहाँ से। और अगर हम आपको पीछे से एक बार व्यू चेक कराएं, तो ये पीछे पीछे की सीट्स होंगी कुछ इस तरीके की। तो अगर आप पीछे की सीट लेना चाहते हैं, तो पीछे की सीट पर बैठ के जैसे आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, एक नंबर, बहुत बढ़िया।
और इस तरफ जैसे हमने आपको बताया ये कुछ इस तरीके का, ये कुछ सीट नंबर है 38। और ये देखो, ये इधर सामान अपना रख सकते हो, लगेज वगैरह। और इधर है आपका इमरजेंसी एग्ज़िट गेट, और एक इधर। बाकी हर एक सीट पर आपको ये ब्लैंकेट वगैरह देखने को मिलेंगे ज़रूर। रेओ बस के अंदर आपको ये टेलीविज़न की भी फैसिलिटीज़ मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सॉन्ग्स वगैरह कुछ ये लगते हैं। और अभी जैसा अभी हमारी बस चल रही है, तो आपको ये भी भाई प्लस पॉइंट है, आप बैठ के आराम से ये टेलीविज़न के मजे ले सकते हो। तो जी, जैसा अभी हमारा ये रेओ बस का फर्स्ट स्टॉप है कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको ये सारे ये जैसे बैठते हैं। तो ये अभी हमारी प्रॉपर बस अभी बिल्कुल खाली थी। तो जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5 के पास। तो यहाँ से भी हमारी बस, सारे कस्टमर जैसे और भी हैं यहाँ से मनाली जाने के लिए, तो वो सारे चढ़ेंगे यानी अपना बोर्ड करेंगे। तो ये कुछ हमारी बस होने वाली आज के लिए। तो 9643 हमारी बस का नंबर होगा। तो ये है कुछ भाई, तो चलो चलते हैं। वैसे हमने आपको प्रॉपर तो सारी दिखा दी है कि कौन कौन सी सीट्स होंगी। तो हमारी आगे की सीट्स हैं, तो बहुत बढ़िया रियो बस देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो आज की ये हमारी जो जर्नी है यानी आज का जो सफ़र है, ये रियो बस के थ्रू होने वाला है। तो दोस्तों, कश्मीरी गेट से अभी बस निकल चुकी है मजनू टिला जाने के लिए। वहाँ से बाकी लोग अभी बोर्डिंग करेंगे, तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ होगा, यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेंगे तो डायरेक्ट आपका मजनू टिला साइड रोड आएगा। तो अभी हम रियो बस का जैसे सेकंड स्टॉप है, यहाँ पर ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से अभी सारे लोग अभी चढ़ेंगे, देख सकते हो। तो ये कुछ सेकंड स्टॉप होगा, और थर्ड स्टॉप होगा करनाल बाई पास। तो अभी आप देख सकते हो वहाँ से अभी ये लोग चढ़ेंगे अभी। तो जी, इस बस का लगेज ये होने वाला है, देख सकते हो जैसे सबके लगेज है। तो ये भैया ने सबके लगेज रख दिए। तो चलो, अभी हमारा टाइम हो चुका है बस का, तो चलो चलते हैं। तो अभी मजनू टिला से अभी चल चुकी है बस सीधा करनाल बाईपास की तरफ, यानी जो दिल्ली का जो बाईपास है उस तरफ। तो यहाँ से अभी हमारे दो फ्रेंड अभी हमारे को ज्वाइन करेंगे। तो अभी हमारी जो ये डायरेक्ट बस जा रही है ये बाईपास की तरफ। तो चलो मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपको भी मिलवाते हैं साथ ही साथ। फाइनली अभी दिल्ली और हरियाणा का जैसे ये फर्स्ट हमारा टोल आ रहा है मनाली जाते हुए, तो देख सकते हो। तो ये देखो जी, ये फर्स्ट टोल होगा। तो यहाँ से अभी हम टोल पे करके फिर निकलेंगे सीधा हरियाणा, टच हो जाएगा, मतलब हमारा हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। जी, अब हमारी ये बस रुक चुकी है अपने फर्स्ट स्टॉप पर यानी खाने पीने के लिए। तो हमारा जो रेस्टोरेंट होगा यानी ढाबा होगा, ये 70 माइलस्टोन होगा, तो कुछ इस तरफ है ये। तो चलो जी चलते हैं और पेट पूजा कर ली जाए पहले भाई जाते। ओके जी, ओके ओके। तो जी, अभी हमारा बस का जैसे फर्स्ट स्टॉप आ रहा है, और पीछे भाई साहब लाइव म्यूजिक बज रहा है, बहुत प्यारा होने वाला है 70 माइलस्टोन का। तो आपको सब कुछ एक्सपीरियंस कराने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। और अभी हमारा ना एक्चुअली हमारे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप वाला बैग हमने ले लिया बस के अंदर। यार उन्होंने बोला अपने जिम्मेदारी होगी, तो हमने अपना लैपटॉप हमने पास कर लिया। तो चलते हैं अपनी बस पीछे और लाइव म्यूजिक उस तरफ, तो चलो इंजॉय करें। तो जी, ये है 70 माइलस्टोन, तो यहाँ पे हो रहा है लाइव म्यूजिक। तो चलो चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं लाइव म्यूजिक के। हाय, ये भाई हमारा दोस्त, ये भी जा रहे हैं इस बार मनाली, और पीछे हो रहा लाइव म्यूजिक। ये देखो, तो जी आईफल टावर देख सकते हो कितना बढ़िया बना के रखा गया है भाई यहाँ पर। वाओ, बहुत बढ़िया। और इधर क्रिसमस ट्री है, तो यहाँ पर गिफ्ट भी है, ले लो भाई गिफ्ट, कितना प्यारा लग रहा है, मैरी क्रिसमस। तो अभी बस 25 तारीख आने वाली है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हो भाई।
दिल्ली से बिल्कुल पास ही है भाई। तो दोस्तों अभी हम जैसे जिस स्टॉप पर हैं अभी यानी लोकेशन पर आप देख सकते हो यार यहाँ पर ना एक ये छोटे छोटे ट्रीज के वगैरह के पौधों के ये देख सकते हो यार कितने प्यारे प्यारे यार ये शॉप है और कितने प्यारे प्यारे फूल पौधे लगे हुए हैं वो देखो। वाह और ऐसा कलेक्शन ना मेरी मम्मी को चाहिए अपने घर के अंदर भाई इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई बड़ा सा घर होगा तो हम जरूर ऐसा कलेक्शन करेंगे। ये देखो पत्तों के बीच में देखो यार कैसे है ये देखो बड़ा यूनिक है यार ओरिजिनल है भाई पत्ता बिल्कुल। वाह बहुत प्यारे तो चलो चलते हैं आगे अभी इस तरफ। तो जी अभी हमने कर लिया रात का समय डिनर और अभी हम जा रहे हैं अपने बस में और अभी बस डायरेक्ट सुबह रुकेगी 5 बजे वो भी मंडी। तो अभी बीच में क्या क्या होगा अगर कुछ भी दिखाने वाला कुछ सीन होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो अभी चलो चलते हैं बस के अंदर और जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और सुबह मिलते हैं आपको डायरेक्ट। अगर कुछ होगा व्यू दिखाने के लिए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे भाई क्योंकि अंधेरा अंधेरा है तो अब नॉर्मली लाइट सारी बंद हो जाएंगी रोड्स पे भी क्योंकि पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे चंडीगढ़ के बाद। तो नॉर्मली चलो चलते हैं बाकी आपको सब कुछ दिखाते हुए चलते हैं साथ ही साथ। तो जी अपनी बस स्टार्ट हो चुकी है अभी अपना फर्स्ट स्टॉप से अभी डायरेक्ट चंडीगढ़ होते हुए सीधा पहाड़ों पर चढ़ेगी और अपनी तो चलो बने रहो सफ़र पर और देखते रहो नज़ारे को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदर नगर और रात को भी एक्चुअली हम सो चुके थे तो हमने ज़्यादातर ब्लॉग अपना शूट नहीं करा तो लेकिन अभी हम सुबह 5 बजे कुछ उठ चुके हैं तो अभी तो इसको क्या हो गया मेरी घड़ी भी भाई अभी ऑफ हो गई तो कुछ नज़ारा देख सकते हो आगे धुंध ही धुंध ये देखो। वाह ये कुछ फॉग एरिया आ चुका है हल्की हल्की फॉग पड़ रही है और ज़्यादातर अभी जैसे मनाली में स्नोफॉल भी हो रही है तो वाह ये देखो चलो चलते हैं और आपको और आगे क्या क्या नज़ारा देखने को मिलता है सब कुछ दिखाते हैं। और जैसे अभी मंडी भी आने वाला है मंडी पे आपको रुक के बिल्कुल जिस भी ढाबे पे हम रुकेंगे रेस्टोरेंट पर रुकेंगे सब कुछ आपको वहाँ जाके सबको डिटेल्स बताएंगे कि हमने पूरी रात को क्या कैसे क्या क्या मतलब एडजस्ट करके क्या क्या देखा। तो जी अभी हमारी बस रुकी है मंडी में कुछ खाने पीने के लिए तो अभी हम तो कुछ खा नहीं रहे तो अब पर ज़रूर हम आग के मज़े ले रहे मतलब इतनी ठंड पड़ रही है तो हम आग सेक रहे हैं बाकी इधर देखो ठंड पड़ रही है ना बहुत उधर देखो इसको प्रिंस को। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मंडी और मंडी पे अभी हम लोकेशन पर रुके हुए किसी ढाबे के बाहर तो अभी हमारी बस चलने वाली है मंडी से आगे डायरेक्ट मनाली कुल्लू के लिए तो अभी हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर अभी हम अपनी सीट्स पर आ चुके हैं। तो ये कुछ है देख सकते हो अपनी बस ये अपना ये देखो कुंभकर्ण दोस्त अरे उधर हमारी सबसे आगे आगे सीट थी सबसे बढ़िया तो अभी बस चलने वाली है और इधर देखो बाहर वाह फुल हाउस हाउस। तो चलो दिखाते हैं आपको नज़ारे और सुबह भी होने वाले रोशनी होने वाली है तो सब कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों अभी आप ये व्यू देख सकते हो ये अभी जो ऑफ रोड है और ऑफ रोड के बाद उधर देख सकते हो ये लेक कुछ बनी हुई है ये एक्चुअली डैम है आप इधर की तरफ देखो ना डैम बना हुआ तो यहाँ से भी हम ऐसे घूमते हो जाएंगे तो आपको व्यू पास से ब्लैक था जो ये लेक बना हुआ लेक भी दिखाते हैं एक बार। अभी हम आ चुके हैं कुल्लू तो देख सकते हो यहाँ से मनाली बचा है टोटल 35 किलोमीटर्स एंड इधर अभी राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो इधर आना पड़ता है जैसे कुल्लू तो देख सकते हो कुल्लू साइंस स्कूल और भी लोकेशंस हैं कुल्लू में बहुत फेमस। तो अगर आप अपने जैसे फैमिली के साथ आते हो या खुद अकेले या खुद अपने जैसे गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ भी अगर आप आते हो तो फुल इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो जी हमारे आगे ना एक ट्रक चल रहा है ट्रक पर देखो भाई पीछे सिद्धू मूसे वाला की फोटो और यहाँ से ब्लर हो गया यहाँ से देखा और एक तरफ सिद्धू मूसे वाला एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत और इधर लिखा हुआ है दिलदानी माड़ा वाओ ये देखो कुछ व्यू बाकी मनाली साइड जाने जाते हुए। तो जी फाइनली अभी हम आ चुके हैं कुल्लू और यहाँ से मनाली है टोटल 37 to 35 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो अभी आप पीछे भाई साहब नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। फाइनली यार हम फाइनली मनाली वाले रूट पे आ चुके हैं और मनाली यहाँ से बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता है। तो अभी हमारा पेट्रोल फिल हो रहा है भाई बस के अंदर तो अभी यहाँ से ये अपनी तो कुछ है बस तो बाकी सुबह का जो नज़ारा दिख रहा है ना एक नंबर भाई मज़ा आ रहा है देख के। तो आपको भी दिखा दूँ ये देखो भाई बहुत बढ़िया
तो ये थी अपनी कुछ बस। तो अगर आपको बस दिखाएं आगे से, ये रियो बस लिखा हुआ है। अभी क्या है कि बर्फ, मतलब सॉरी, हवा चल रही है जैसे ठंडी ठंडी, तो यहाँ पे और से ना ये पूरा शीशा कवर हो गया। और ये थी, और बहुत प्यारी भाई, वोल्वो 9400 है ये बस। और बाकी ये जैसे ड्राइवर कोच हमारी आ जाएगी कि दो सीट थी, बहुत प्यारे। अभी बस प्राइवेट पार्किंग, तो अभी मनाली सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ से जो मॉल रोड, तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सुबह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे जैसे ड्राइवर कोच थे ये, तो बहुत प्यारे भाई, इन्होंने बिल्कुल जल्दी से जल्दी फास्ट बिल्कुल बढ़िया गाड़ी तरीके से चलाई है। तो ये जा रही है एक्चुअली ना मॉल रोड की तरफ रास्ता। हाँ ओके, यहाँ से अभी हम जाएंगे। ओके ओके ठीक है, तो बहुत प्यारा नज़ारा है। तो चलो बाहर चलते हैं और आपको बिल्कुल और बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं बाहर से, और अपना होटल चलते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, अभी हम आ चुके हैं डायरेक्ट मनाली, और मनाली हमारा बस स्टैंड है पीछे, प्राइवेट बस स्टैंड हो गई है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मनाली मॉल रोड अपने होटल का पता करने के लिए, और हमने यहाँ से जो कैब करी है वो 100 रुपये ले रहे हैं, और 100 रुपये के अंदर ही हमारे को ये होटल्स के 3-4 जो होटल होंगे वो सब कुछ बताएंगे। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कौन कौन से हम होटल कितने रुपए में ले सकते हैं। तो दोस्तों मॉल रोड जाने के लिए एक ये रास्ता है, और एक आगे से जाके लेफ्ट की तरफ फिर से यही रास्ता आएगा मॉल रोड के लिए। तो बस स्टैंड बाकी हमने जैसा आपको बताया उस तरफ होगा। तो अभी हमने ये कैब करी है, कैब करते हुए सीधा मॉल रोड होटल्स भी देखेंगे और सब कुछ इंक्वायरी निकालेंगे कि कौन कौन से होटल कितने रुपए में मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ से ये मॉल रोड है, और यहाँ से हम हरिप्पा टेम्पल भी जा सकते हैं, और आप देख सकते हो ये मॉल रोड। सो गाइस फाइनली अभी हमने मनाली के अंदर अपना होटल ले लिया है, और होटल भी बहुत बढ़िया रेट में मिला है। तो एक्चुअली यार यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, वो बार्गेनिंग का जो रेट हमारे को पड़ा है वो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, पर सबसे पहले आपको रूम के टूर करा देता हूँ। तो कुछ बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होगा। तो अभी ये 4th फ्लोर होगा, और हमारे जैसे ये रूम है, तो 4th फ्लोर पर अभी हमारा 403 नंबर है, तो आप रूम चेक कर सकते हो। यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो भाई ये किंग साइज बेड होगा, दो यहाँ पर ये आपको चेयर्स मिलेंगी, टेबल होगा। बाकी जैसे आपको होटल का नाम बताएं तो ये होगा भाई सियालिन मॉडल टाउन मनाली HP, ये फ़ोन नंबर होगा। बाकी आप देख सकते हो ये इनका मेन्यू है, बाकी आपको आप पे गिलास जग फोन ये कुछ लाइट्स है, इंटीरियर चेक कर सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पर TV, अभी हमारे को चैनल चेंज करना है तो चलने लगेगी। ये कि यहाँ पर फ़ैन है, ये अलमीरा है यहाँ पर, तो अभी हमारा जो सारा बैग है यहाँ पर रखेंगे हम। और बाकी बात की जाए भाई यहाँ पर एक मिरर, तो अभी हम भी पानी वानी गर्म कर लेते हैं गीज़र में, और चलते हैं फिर नहाने, फिर रेडी शेडी होके घूमेंगे। बाकी ये बाथरूम, यहाँ पर एक गीज़र है, यहाँ पे आप अपने टॉवल वॉल रख सकते हो, शॉवर है एक, यहाँ पर भी आपको मिरर मिलता है, बहुत बढ़िया लाइटिंग है सुबह फेस पे एक ये। बाकी ये तो जी ये है कुछ मनाली का रूम जो अभी हमने लिया है। तो ये जो रूम का हमारे को फेयर पड़ा है 1000 रुपीज़ पर नाइट, लेकिन हम आपको ओरिजिनल प्राइस बताएं तो अभी हमारे को जैसे इन्होंने बताया था 2500 यानी 2500 रुपये का एक दिन के लिए 24 घंटों के लिए। तो अभी हमने इनसे बार्गेनिंग करी, ब्रोकर लिया हमने। अगर आप भी आते हो ना आपको मनाली का माल रोड पे ही ना ब्रोकर देखने को मिल जाएंगे, तो आप ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में होटल बता देंगे। और मैं आपको इस होटल का जैसे रेफरेंस नंबर भी दे दूंगा, या आप मेरा नाम भी लेंगे ना यहाँ पर आके, क्योंकि मैं उनकी ये वीडियो की मतलब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ उनके होटल के रिलेटेड, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आपके नाम से जो भी आएगा तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप आते हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जी आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा जो बस का टूर था रियो बस की, मतलब जैसे वीडियो थी, तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको ऐसी कुछ बढ़िया सी वीडियो के साथ, सो टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाकी वीडियो के साथ बने रहिए, मनाली के टूर आने वाले एक से एक। अभी हम जाएंगे यहाँ से आई थिंक कुल्लू या सिसु, तो देखते हैं डिसाइड करते हैं पूरे ग्रुप के साथ। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।